दर्पण दृश्यमान तुल्यं निदान्तर्गतं पश्यन्नात्मनिमायाभूतं यथा यतोन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञस्वरात् तेने ब्रह्मददाययादिकवये गृह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र प्रसर्गो मृषा भावना स्वेन सदा निरस्तक्वकम् सत्यं परं धीमहि। ओम शांति शांति शांति। कभी भगवान बड़ा विलक्षण विनोद करते हैं। मनुष्य चाहता कुछ है और होता कुछ है, तो इसमें भी भगवान की बड़ी भारी कृपा रहती है। एक महात्मा ने इस बार उनको समझाया था, बहुत पुरानी बात है, कि मान लो तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी होने लग जाए, जो तुम चाहो वही होने लग जाए, तो क्या ईश्वर की सत्ता महत्ता का पता लग सकता है? कोई मानेगा ही नहीं ईश्वर को। जब कोई ऐसा रहता है जो कभी कभी हमारी इच्छा के विपरीत भी कर देता, तब पता चलता है कि हाँ और कोई है। इसी से माँ को ये हक होता है कि अपने बच्चे को वासना के अनुसार चलने से रोके। तो पति पत्नी को भी परस्पर अधिकार होता है, क्योंकि अपने ही मन की होवे हमेशा, तो मनुष्य इतना अहंकारी हो जाएगा कि वो ईश्वर को नहीं मानेगा, एक ओर। और दूसरी ओर ये होगा कि मनुष्य तो एक है नहीं, अनेक है, और सबकी इच्छाएं आपस में टकराएंगे, और जब सबकी इच्छाएं आपस में टकराएंगे तो सृष्टि में संघर्ष और दुख की वृद्धि होगी। तो इन इच्छाओं का एक नियंता है। अब आपको एक श्रीमद्भागवत का प्रसंग सुनाता हूं। ध्रुव के वंश में राजा अंग हुए, अंग के कोई संतान नहीं, तो ये हुआ कि यज्ञ करें और संतान हो। ये पहले रासायनिक पद्धति से भी संतान उत्पन्न करने की प्रथा थी। यज्ञ माने प्रयोग ही होता है, भौतिक दृष्टि से यदि कहो तो यज्ञ माने एक प्रकार का प्रयोग। तो राजा अंग के यज्ञ में देवता लोग नहीं आए। पुरोहितों से पूछा गया कि देवता लोग यज्ञ में क्यों नहीं आए, तो ध्यान करके सदस्यपतियों ने बताया कि राजा अंग के कोई पुत्र नहीं है, इसलिए यज्ञ किया। यज्ञ किया राजा अंग ने, सदस्यपतियों ने बताया कि इसलिए देवता नहीं आ रहे हैं कि तुम्हारे कोई पुत्र नहीं है। जरा इसका भाव देखो। इसका भाव यह है कि देवता लोग चाहते हैं कि इसके कुल में कोई होगा तो आगे भी यज्ञ करता रहेगा, होम करता रहेगा, हम लोगों की सेवा पूजा करता रहेगा। तो जहां हमेशा सेवा पूजा नहीं मिलनी है, केवल एक ही बार की बात है, वहां जाने की तकलीफ कौन उठाए। तो देवता लोग ये चाहते थे कि हमारी सेवा पूजा की परंपरा बनी रहे। तो राजा अंग ने फिर पुत्रेष्टि याग किया। पुत्रेष्टि याग में ईश्वर की कृपा से उन्हें सफलता मिली और पुत्र मिल गया। तो राजा अंग सोचते थे कि पुत्र होगा तो हम बड़े सुखी हो जाएंगे। दोनों की इच्छा के साथ भगवान ने, देवताओं की इच्छा के साथ भी खिलवाड़ किया और राजा अंग की इच्छा के साथ भी खिलवाड़ किया। जिस पुत्र से बहुत यज्ञ होम और आहुति और अपना भाग पाने की इच्छा से देवताओं ने यज्ञ में आना स्वीकार किया था, उस बेल ने पैदा होकर के घोषणा कर दी कि न यष्टव्यम न होतव्यम न दातव्यम द्विदाह क्वचित। ब्राह्मणों, यज्ञ नहीं करना, होम नहीं करना, दान नहीं करना, इसी के भरोसे पर तो देवता लोग, जिससे भरोसा था कि सेवा पूजा करेगा उसी ने अंगूठा दिखा दिया। ये हुआ।
अब बाप की क्या दशा हुई देखो। बाप सोचता था कि बेटा होगा तो हमारी सेवा करेगा। ये देवता मूर्ख हैं जो सोचते हैं कि मनुष्य हमको भोजन देता है। असल में सर्वांतर्यामी ईश्वर ही सबके हृदय में बैठ करके जैसी जैसी प्रेरणा करता है वैसा वैसा होता है। ये देखो हमारे निस्संकल्प होने का कितना बड़ा आधार है। योगाभ्यास के साथ इसका समन्वय मालूम पड़ता है कि नहीं? छोड़ दो संकल्प, छोड़ दो तृष्णा, शांत हो जाओ। राजा की क्या गति हुई कि जब बेल अत्यंत नास्तिक के रूप में प्रकट हुआ तो उन्होंने समझाने की कोशिश की कि बेटा तुम ध्रुव के वंश में पैदा हुए हो, हमारे पुत्र हो, तुमको ऐसा नहीं होना चाहिए। परंतु बेटे ने एक नहीं मानी। ये असल में बाप का एक मोह ही है जो बेटे को अपनी इच्छा के अनुसार चलाना चाहता है। जैसे प्रत्येक बीज पृथक पृथक विकसित होते हैं तो इकाई होती है ना, बीजों की इकाई होती है और वो अलग अलग उगती है। इसी प्रकार प्रत्येक जीव की एक इकाई होती है, उसके साथ उसके संस्कार होते हैं और प्रत्येक क्षण की एक इकाई होती है। बिल्कुल उसका प्रस्तार करके एक क्षण किस ढंग से विकसित होगा, देश के एक इंच में संपूर्ण पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण रहता है। आप कहो तो हम दिखा दें, कहीं भी आपको दिखा सकते हैं। ये रुमाल है, रुमाल इसमें पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सब है। इसी तरह से इसके एक कण में भी पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सब रहेगा। वो कहीं से पूरब है, कहीं से पश्चिम है, कहीं से दक्षिण है, कहीं से ऊपर है, कहीं से नीचे है, दरअसल कहीं नहीं। ऐसे एक क्षण में भी भूत भविष्य वर्तमान तीनों रहता है। ऐसे एक बीज में भी अच्छे और बुरे दोनों संस्कार रहते हैं। ये जैसे काल में क्षण है, जैसे वस्तु में कण है, वैसे ही जड़ता की प्रधानता से बीज है और चेतनता की प्रधानता से जीव है। ये सब के सब अपने अपने संस्कार से लिपटे हुए होते हैं। तो जब माता पिता चाहते हैं कि बेटा हमारी इच्छा से चले और बेटा बेटी चाहते हैं कि माँ बाप हमारी इच्छा से चले और बहू चाहती है कि सास हमारी इच्छा से चले, तो वो ईश्वर का स्थान ग्रहण कर लेते हैं। और ईश्वर का स्थान ग्रहण कर लेने पर तकलीफ मिलती है। तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। तो ये तो मैंने व्याख्यान दे दिया। हुआ ये कि पहले अंग को बड़ा दुख हुआ, राजा अंग को, कि हमारा बेटा होकर हमारी बात नहीं मानता है। एक दिन महाराज रात को बैठे अत्यंत दुखी होकर के शांत हो गए। तो उनको मालूम हुआ कि वो ध्रुव के वंश में पैदा हुए थे ना, आखिर तो एक वंश का संस्कार था। तो भगवत भाव का उदय हुआ, भगवत भाव का उदय हुआ। तो उन्होंने कहा, अरे ये तो भगवान की बड़ी कृपा है कि हमको ऐसी संतान दी। देखो कदपत्यम बरम मन्य, ये भागवत के मूल में है। पूरी संतान बहुत अच्छी है, पूरी संतान बहुत अच्छी है, राजा अंग ने ऐसे सोचा। सदपत्यात शुचाम पदार्थ, क्योंकि संतान अगर अच्छी हो जाए तो उसमें मोह बहुत हो जाता है। तो ये तो भगवान ने हमको विरक्त बनाने के लिए ऐसी संतान दी है। प्रत्येक पीढ़ी में ऐसी संतान आती रहे जिससे बाप को वैराग्य हो जाया करे, मोह मोह टूट जाया करे। आहा, भगवान की कितनी कृपा होगी। एक बार मैंने श्री उड़िया बाबा जी महाराज से प्रश्न किया कभी एकांत में कि आप जिन लोगों में रहते हैं ये तो सब शंकर जी के गण ही मालूम पड़ रहे हैं, आप लोग बुरा नहीं मानना? तो बोले कि बेटा ठीक है, मैं सबकी बात समझता हूँ। तो वैसे लोगों में क्यों रहते हैं? बोले ऐसे लोगों में रहने से अपनी असंगता बनी रहती है। आपके ध्यान में ये बात आ गई होगी ना, ऐसे लोगों में, बहुत अच्छे लोगों में रहने से उनसे आसक्ति हो जाती है। तो राजा अंग को वैराग्य हुआ और रातों रात बिना अपने पुत्र को राज्य दिए, बिना अपनी पत्नी से परामर्श किए रात को निकल गए। अब ये हुआ कि कोई राजा नहीं रहा, तो राजा नहीं रहा तो सब महात्मा लोग इकट्ठे हुए। नशेत्रई दंडनीत हटाया, शासन के बिना मर्यादा नहीं रहती है, मर्यादा का नाश हो जाता है। नशेत्रई दंडनीत हटाया, दंड नीति अवश्य रहनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग तो स्वाभाविक मर्यादा से सत्कर्म करते हैं,
और कुछ लोग लोभ से करते हैं, कुछ लोग लोभ से करते हैं, कुछ लोग भय से करते हैं। लोभ और भय, ये जो भगवान ने मनुष्य को वृत्ति दी है, ये निंदनीय नहीं है। और एक है कर विभाग, विभाजन दो कर दो, जिसको विश्लेषण करना नहीं आता वो वैज्ञानिक नहीं हो सकता। हो दो तत्व एक में मिले हुए हो और उनको वो लेबोरेटरी ने विश्लेषण की प्रक्रिया से अलग अलग कर दे तो वैज्ञानिक हो जाता है। ये शरीर में दो चीज मिली हुई है, एक असंग आत्मा है और एक कर्ता भोक्ता, ये जड़ वर्ग है। तो इसका विभाजन कर लो, विभाजन, विभाजन माने विश्लेषण, बंटवारा, अलग अलग बांट दे, इसके हिस्से में है, ये इसके हिस्से। महाबाहो, तो महाबाबू हो तुम, तुम्हारे हाथ बड़े लंबे हैं और महाराज वो बाण मारता लक्ष्य भेद करने में बड़े निपुण है। तो केवल स्थूल लक्ष्य का भेद किया तो क्या किया, आओ ये सूक्ष्म लक्ष्य का भेद करो। गुण विभाग के और कर्म विभाग के जो तत्व भेदता है वो ये विचार करते हैं, गुणा गुणे सु वर्तन है, गुणा करणा गुणे सु विषयेषु वर्तन्ते, इंद्रियां विषयों में बरतती हैं। कितनी कोशिश करो अगर आंख नहीं होगी तो रूप कहाँ से दिखेगा। तो ये न प्रकृति है न पुरुष है, ये क्या है, ये तो गुण है। उसने कहा हाय तुमने मुझे मार डाला, मैंने कहा हाय तुमने मुझे मार डाला। उसने कहा ये मैं नहीं मेरी अदा है, ये मेरी अदा, मैं नहीं मेरी अदा है। प्रकृति पुरुष को नहीं मारती, पुरुष प्रकृति को नहीं मारती, ये तो प्रकृति की अदा है। कहीं इंद्रियों के रूप में जाहिर हो रही है, कहीं विषयों के रूप में जाहिर हो रही है, ये गुण है ना, गुण बोलते हैं। गुण माने प्रकृति नहीं, प्रकृति के गुण, ये उसकी अदा है, प्रकृति की अदा है कि आंख रूप को देखती है, कान शब्द को सुनता है। और यदि आप कहो तो हजार हजार शब्द आपने सुन के, लाखों करोड़ों शब्द आपने सुन के अब तक छोड़ दिए हैं, न शब्द आपके कान में चिपके हुए हैं, न आपका कान किसी शब्द से चिपक सकता। हजारों रूप देख के आंखों ने छोड़ दिया, न आप किसी रूप के साथ मरी और न कोई रूप आपके अंदर घुसा, आप ज्यों की त्यों रूप बदलते गए, कहाँ आ सकती हुई। हम आपको नारायण आपका ध्यान खींचते हैं कि आपके नेत्रोपाधिक ज्ञान में भी आसक्ति नहीं है, है औपाधिक ज्ञान परंतु आसक्ति नहीं है। कितने रूप देखे और छोड़ दिए, कितने शब्द पिए और छोड़ दिए, कितने स्पर्श चिपके, वो मखमल आया। हम लोग तो पहले मलमल तो सबसे बड़ी चीज समझते थे, अब तो महाराज न जाने क्या क्या आ गया, तेरी कोट आ गया, तेरी हमकम चल रहा है, रयन आ गया, फलाना आ गया, क्या क्या आके चिपका, गुलाब का फूल और चमेली का फूल और स्त्री का शरीर और पुरुष का शरीर, न कोई स्पर्श चिपका रह गया, न हमारा चांद किसी के साथ चला गया। तो स्पर्श स्वरूपाधिक जो ज्ञान है वो भी असंग है, रसनोपाधिक ज्ञान भी असंग है, नासिकोपाधिक ज्ञान भी असंग है, हृदयोपाधिक ज्ञान भी असंग है, अबुद्धोपाधिक ज्ञान भी असंग है। न ज्ञान किसी विषय के साथ चिपका, न कोई विषय ज्ञान के साथ चिपका, ये तो भ्रम है कि हमको आसक्ति हो गई। भ्रम के अभिवेक तो केवल ये मूर्खता मात्र है कि हम उसके बिना नहीं रह सकते, वो हमारे बिना नहीं रह सकते, और इस मूर्खता के कारण कितने जने बेहोश पड़े हैं। मूर्ख शब्द का संस्कृत में अर्थ यही होता है, मूर्छत इति मूर्खः, जो मूर्छित हो रहा है होशवास हो करके, उसका नाम मूर्ख है। तो गुणा गुण है तो वर्तन्ते, आप देखती जा रही है, कान सुनता जा रहा है, जिसको देख लिया देख लिया, जिसको सुन लिया सुन लिया, जिसको छू लिया छू लिया, जिसको चख लिया चख लिया। हम समझते हैं कि इतने महात्मा लोग यहाँ बैठे हैं, जिनसे पूछे कि परसों आपने कौन सी दाल खाई थी तो ध्यान करके बताएंगे, हो ऐसे याद नहीं होगा। कम से कम हम तो नहीं बता सकते, एक हम भी महात्मा हैं, हम नहीं बता सकते कि परसों हमको क्या दाल साग खाने को मिला था। तो जब वो खाया हुआ साग दाल जो उस समय बहुत स्वादु लगता था, आज याद नहीं है, तो वो हमारे साथ चिपका कि हम उसके साथ चिपके।
चिपकन तो कहीं है ही नहीं, मूर्खता में ही चिपकन है। न दिल चिपका न दिमाग चिपका, ये आसक्ति न प्राकृत है न ईश्वरीय है न आत्मीय है, ये बिल्कुल मूर्खता के वंश में आसक्ति उत्पन्न हुई है। अतएव गुणा गुणेशु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। इंद्रियों का काम है विषयों में वर्तना, देखते रहना विषयों को। आपसे पूछे कि आपने अपने हाथ से जन्म से अब तक कौन कौन से काम किए हैं, जरा लिस्ट बना कर दीजिए। बना सकेगा कोई लिस्ट की जन्म से अब तक हाथ से क्या काम हुआ, पांव से कहां कहां गए, कितनी बार मेरी शंका की, इसी की गिनती बता दो। कहां कहां पहुंच गए, अरे जिनकी याद ही नहीं है। आसक्ति माने ये तो भ्रम है, एक मालूम पड़ता है। एक सज्जन को तो अपने बच्चों की गिनती की याद नहीं, हम जानते हैं। वो मिलते हैं तो हमको बताते हैं, स्वामी जी ये 10वें नंबर की बेटी है, ये 17वें नंबर का बेटा है, है ना। लेकिन जिंदा बीच में कितने मर गए ये उनको मालूम नहीं है, 21 अब तक हो चुके हैं, वो स्वयं पति पत्नी जीवित कृपा से। अपने बेटों का पता नहीं है, 4-5 ब्याह किए होंगे तो 1-2 पत्नी का नाम भी याद होगा, पहली दूसरी पत्नी का भी नाम याद है, और ये आसक्ति के पीछे मरे ढूंढते हैं। ये भ्रम है इनका और कुछ नहीं है। प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ा सज्जन ते गुण कर्मसु तान कृत्स्न विदो मंदान कृत्स्न वित्न विचाले। प्रकृति के गुण में सम्मूढ़ होना माने अटक जाना, ये प्रकृति के गुण है। अच्छा आप यही बताइए कि आपके मन में सात्विक वृत्तियां अब तक कितनी आ चुकी हैं, कोई गिन के बता सकेगा? अरे एक दिन में कितनी आती हैं वो भी नहीं बता सकते। आप ले लीजिए डायरी और कलम से नोट कीजिए कि कितनी सात्विक वृत्तियां हैं, कितनी राजसिक, कितनी तामसिक, नहीं गिन सकते। और मन ने क्या क्या आकार ग्रहण किया, आंख ने क्या क्या रूप देखी, कान ने क्या क्या शब्द सुना, गिन सकते हैं? बिल्कुल मूढ़ता है, ऐसी मूढ़ता या मन की। परिहरि राम भगत सुर सरिता आप करत होश कन की। जो अपना आत्मदेव है जिसका कभी लोप ही नहीं होता, निरंतर साक्षात रूप, उसको छोड़कर ये उड़ने वाली पड़ने वाली गिरने वाली आने वाली जाने वाली बदलने वाली ये बहुरूपिया विद्या, इन कुलताओं को समझते हैं कि ये हमारे साथ आसक्ति करती हैं और हम इनके साथ आसक्ति करते हैं। तान कृष्ण विदो मंदान कृष्ण विन्न विचाले। प्रकृति के गुण से जो सम्मूढ़ है वो प्रकृति के गुण विभाग में या कर्म विभाग में आसक्त हो जाते हैं। ये कौन है कर ये अधूरे जानकार है, अकृत्स्नविद है माने इनको पूरा ज्ञान नहीं है, उड़ती हुई जानकारी है, पल्लव ग्राही पांडित्य है, मंद है, मंद है माने इनके संग को बचना चाहिए। इतनी धीमी गति है कि इनके साथ आप रह जाओगे तो आपकी प्रगति छूट जाएगी। आप कंपनी इन मंदों की मत बनाना, मंद गति से कभी आगे कभी पीछे कभी बाएं कभी बाएं, अटकते लटकते भटकते खटकते चटकते पटकते ये कहीं चल रहे हैं ना, इनके चक्कर में ये मंद है। इनको आप अपने साथ रख लोगे तो साथ ही सरिश्चर आपके ऊपर चला जाएगा। मंद माने सरिश्चर होता है ज्योतिष में, मंद माने सनिश्चर। एक एक राशि पर ढाई ढाई बरस रहता है ना, तो महाराज इनकी सोसाइटी मत बनाना, इनको रहने दो, अपनी चाल से चलने दो। कृष्ण दिन विचाले, उनको विचलित करने की जरूरत नहीं है। हाथी चलता अपनी चाल से, कुतवा भुकत को फुकवा दे, तू को राम भजो जग लड़वा दे। तो बोले भाई अब क्या करें, बोले कर्म तो होते रहेंगे। देखो कर्म होते रहेंगे वो भी गीता के मत से अकेली प्रकृति नहीं करती है, ईश्वर के सहयोग से ही करती है। मैं दक्षिण प्रकृति सूर्य से सचरा कर, मैं तो कहना पड़ेगा कि मैया इतनी चालाक है कि बिना बापई के इतने बच्चे पैदा कर दिए। तो अगर ईश्वर को नहीं मानोगे तो उसका अर्थ क्या होगा, ईश्वर है बाप, प्रकृति है मैया,
वो इतनी चालाक मैया है कि बिना बाबई के बच्चे पैदा करती है। नहीं, इसमें ईश्वर का हाथ है, क्षेत्रज्ञ का हाथ है। एक अब जो वेद सितम प्राहु क्षेत्रज्ञ तद्विदहा मई सर्वाणि कर्माणि सन्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः। सारे कर्म ईश्वर में समर्पित कर दो। कैसे समर्पित करें? साधन बताते हैं अध्यात्म चेतसा। तो कर्मों को ईश्वर में रख दे। बोले रखोगे कैसे? ईश्वर तो अमूर्त है। अरे कहीं पर कोई मिल जाए तो उसमें कोई चीज रख दें, ईश्वर में कैसे रखेंगे कर्म को? तो बोले कि हम हैं कर्ता और ईश्वर है अकर्ता। तो कर्ता के द्वारा किए हुए कर्म का संबंध अकर्ता से कैसे होगा? समर्पण कैसे करें? और इसके समर्पण की प्रक्रिया है अध्यात्म चेतसा। इसके लिए अध्यात्म ज्ञान होना चाहिए। जिसको मोटर कैसे चलती है ये मालूम नहीं है, वो अच्छा ड्राइवर नहीं हो सकता। अच्छा ड्राइवर वही हो सकता है जो मोटर के एक एक कल को, पुर्जे को, कहाँ से पेट्रोल जाती है और कहाँ से बिजली पैदा होती है और कहाँ जाके टकराती है, कैसे चलाती है, तो बिगड़ने पर बना सके। तो अध्यात्म शब्द का अर्थ होता है शरीर के भीतर जो मशीनरी काम कर रही है उसका नाम है अध्यात्म। आत्मन देहे एवं इति अध्यात्म। जो देह में यांत्रिक प्रणाली है कर्म करने की, उसका नाम है अध्यात्म। ज्ञान प्राप्त करने की, कर्म करने की, व्यवहार करने की जो यांत्रिक प्रणाली है उसका नाम है अध्यात्म। तो अपने मन से उसको ठीक ठीक समझ लो। और इसके बाद क्या करना है कि कर्म का संबंध कर्ता के साथ मत रखो, उद्देश्य के साथ रखो। लड़ो तो सही पर अपने लिए नहीं, राजा करो। ये अध्यात्म न जन अध्यात्म से विकसित क्रिया फलम उपासन है। मनु जी ने कहा कि यदि तुम अध्यात्म को नहीं समझोगे तो कर्म का फल भी तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। इसलिए अध्यात्म चित्त से बुद्धि विशेष एवं विषयता विशेषेण परमेश्वर गतः तस्मिन समर्पणम। हमारा जो बुद्धि विशेष एक खास तरह की बुद्धि है और वो विषयता माने ईश्वर की ओर ध्यान रख के हम ईश्वर की चल रहे हैं। जब हमारा बुद्धि विशेष ईश्वर को विषय बनाकर ईश्वर में जाएगा तब हमारे कर्मों का समर्पण ईश्वर में हो जाएगा। अच्छा, अब आपको एक गंवारू बात सुना। क्या करें, हम ही गंवार हैं तो गंवारू बात तो करेंगे ही। तो हमने एक महात्मा से कहा कि हमको आप ईश्वर की शरण में कर दीजिए। वो जरा उपासना में समर्पण बोलते हैं और सर्वज्ञ सर्वशक्ति ईश्वर के सामने शरणागति बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि गुरु, हम तुमको समय देते हैं, जाओ सोच विचार के आओ, पृथ्वी ईश्वर की शरण में है कि नहीं, जल है कि नहीं, अग्नि है कि नहीं, वायु है कि नहीं, आकाश है कि नहीं, पंच तन्मात्रा है कि नहीं, अहंकार है कि नहीं, महत्तत्व है कि नहीं, प्रकृति है कि नहीं, ऐसी क्या चीज है जो ईश्वर की शरण में नहीं है? और जब सब चीज पहले से ही ईश्वर की शरण में है तो उन्हीं पंचभूतों से बना हुआ ये तुम्हारा शरीर जीवन और इसी में होती हुई चेष्टाएं वे ईश्वर की शरण में क्यों नहीं है? तो जाओ तुम विचार करके कल आना और हमको बताना कि ये चीज ईश्वर की शरण में नहीं है। तुम हमको दिखाते जाना और हम ईश्वर को समर्पित करवाते जाएंगे। अब महाराज, एक दिन के बाद रात बीत गई, दूसरे दिन हम उनके पास गए और बोले कि महाराज, मिली नहीं कोई चीज, ऐसी कोई चीज नहीं मिल रही है जो ईश्वर की शरण में ना हो। तो बोले कि ये असमर्पण का भ्रम हो गया है,
ये चीज ईश्वर की नहीं है, ये भ्रांति हो गई है, ये असमर्पित है, ये भ्रांति है, इसलिए समर्पण की नवीन क्रिया करने की जरूरत नहीं है। अध्यात्म चेतसा, पैनी नजर से देखो, सब ईश्वर में है, सब ईश्वर का है, सब ईश्वर के द्वारा संचालित है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदये तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायया, पहले से ही समर्पित है। अब तुम समर्पण क्या करोगे? अब एक पंडित को बुलाओ और हाथ में जल ले, रक्षक लो, कुशा लो, हाँ, एक आध नए पैसा रखना, पुराना से मिलेगा कहाँ, नए पैसा रखना और संकल्प करना कि अमुक गोत्रोत्पन्न अमुक सर्वा हम इदम निजत्वे न प्रतीयमान महंत्वे न ममत्वे न प्रतीयमान सर्वम ईश्वराय तुभ्यम समर्पयामि। करो संकल्प, संकल्प करने से समर्पण होता है। अरे वो तो मालिक ही वही है भाई, मम नाथ यदस्ति जोस्मि अहम सकलम तत ही तवैव माधव, जो कुछ मैं मेरा हूँ तो सब तेरा है। नियत स्वमिति प्रबुद्धि अथवा किमनु समर्पयामि ते, जब हम जान गए कि सब भगवान का है तो समर्पण का कर्तापन भी अपने ऊपर सारे को ले। तो निराशीर निर्ममो भूतवा, आशा मत रखो कि ईश्वर को अब हमने समर्पण किया। एक आदमी ने कहा कि अब हमने तुमसे प्रेम कर लिया तो हमारे लिए कपड़ा लाओ, हमारे लिए मकान बनाओ और हमारे लिए रुपया लाओ, हमने तो तुमको आत्मसमर्पण कर दिया। बोले अच्छा, समर्पण किया, हम तुमको लेके चाहेंगे, जाओ जा, हम नहीं देते हैं, क्या करेंगे तुम्हारे समर्पण को? आशा नहीं और ममता नहीं, जो वो करे सो ठीक और अपना कुछ नहीं सब उसका। और युद्धेश्वर विजतज्वरा, धनुष बाण दे दिया हाथ में, अब ये बुखार दे के बैठे हो, सीदंती मम गात्राणी मुखं च परिशुष्यति, बेपतुष्ट शरीरे में रोम हर्षत से जायते, शर्म नहीं आती तुमको? शिष्य से हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम करने के बाद लड़ाई के नाम पर दुकान चढ़ा के बैठे हो। युद्धेश्वर विजतज्वरा, जैसे पहले लड़ने के लिए आए थे वैसे चलो लड़ो। अंत प्रविष्ट प्रार्थना जनान सर्वात्मा अंत प्रविष्टम करतार नेता, कर्म करो। अब भगवान ने महाराज कहा कि देखो ये है हमारा मत, ये मैं मत मिदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावंतो न सूयंतो मुच्यन्ते तेति कर्म भी, ये स्वेतदस्य सूयंतो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ास्तान विद्धि नष्टान ते तथा। तो ये हमारा मत नित्य है, माने ये नहीं, आप जैसे देखो ईसा ने एक मत प्रकट किया था ना, तो बाइबल जी तो बोलते हैं जब खुदा ने कुरान शरीफ प्रकट किया तब उसको मनसूख कर दिया। कुरान शरीफ में लिखा है कि बाइबल में जो कुछ हमने कहा था, ईसा मूसा से जो कुछ कहा था वो सब मनसूख, अब तो बस कुरान शरीफ ही चलेगी। तो ईसा मूसा को जो बताया भगवान ने मत, उसको मनसूख कर दिया, काट दिया, तो कालिक हो गया ना। कि भगवान कहते हैं कि जे मे मत मिदम नित्यम, ये मेरा मत थोड़े दिनों के लिए नहीं है, ये मत समझना कि इस समय तो हम इसका प्रतिपादन करते हैं और आगे इसका बाद कर देंगे, कने इसका अपवाद करने वाले हम नहीं है, ये मेरा मत नित्य है। और अनुतिष्ठन्ति मानवा, एक बात और कह दी कि पूर्व मीमांसा में जिस कर्मानुष्ठान का वर्णन आता है उसमें बृहस्पति सौ वाजपेय का अधिकारी ब्राह्मण होता है, राजसूय का अधिकारी क्षत्रिय होता है, वैश्य स्तोम का अधिकारी वैश्य होता है, निषाद स्थपति स्तोम का अधिकारी निषाद स्थपति होता है। लेकिन ये जो मैं मत बताता हूँ ये किसी खास जाति के लिए, वर्ण के लिए, आश्रम के लिए, मजहब के लिए, किसी देशवासी के लिए, किसी भूगोल के लिए नहीं है, मानवा। जिस मत का अधिकारी मनुष्य मात्र है, जनेऊ पहने हो चाहे न हो, ज्योति हो चाहे न हो, समुन्दर के इस पार रहता हो कि उस पार रहता हो, वो मानव होना चाहिए। हृदय में हो श्रद्धा, दोष दृष्टि न हो, मनुष्य मात्र हमारे इस मत का, ये भगवान है जो केवल एक देश के लिए कानून बनावे, वो तो एक देश का राजा हो सकता है,
अरे जो सब देश का राजा होगा तो सारे देश के लिए कानून बनाएगा ना, इसका नाम ईश्वर हुआ। बोले भाई हमारे मजहब वाले लोगों के लिए ये कानून है। बोले मजहबी बहुत छोटा है भाई, इसका तो दायरा सर्वदा के लिए और संपूर्ण मानव जाति के लिए सारे भूगोल में, सारे इतिहास में, सारे भविष्य में ये मत चलेगा। सार्वभौम है, सार्वकालिक है, सार्वजनिक है, मानव मात्र के लिए है। ये सर्वस्मार्त धर्म के समान अधिकारी विशेष के लिए नहीं है, ये भागवत धर्म है, भगवान के सब बच्चों के लिए है। इसका नाम भागवत धर्म है। ये त्वेत दक्ष सूयंतो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ास्तान विद्य निष्ठान अचेतसः। और जो लोग निकालते हैं इसमें दोष, अभ्यसूया माने दोष निकालना, गुणेषु दोषा विस्फोरणम असूया। असूया पांच है, न सूते इति असूया, जिससे कोई फल न निकले उसका नाम असूया है। बंध्यास्त्री का नाम असूया है। इसी से वो जो हुआ है ना अत्रि ऋषि की पत्नी, हाँ अनसूया अनसूया बाज रही है, तीन दिन बेटे हुए बढ़िया बढ़िया उनके, और किसी में दोष नहीं देखते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश आए, बोले नंगी होके भिक्षा लाओ की बात है, तुम लोग बच्चे होके खेलो, हम नंगी होके लाते। हाँ उनकी बात में भी दोष नहीं निकाला हो। तो ये असूया जो है वो जिसके प्रति होती है उसका सुख नहीं बिगाड़ती है, जिसके हृदय में होती है उसका सत्यानाश करती है। ये असूया का यही विशेष है, दोष दृष्टि जिसके बारे में होती है उसको तो छूती ही नहीं है, और जिसके दिल में पैदा होती है वहां कैंसर हो जाता है। सिरा जिसमें किम हो जाए, किम माने कुत्सित हो जाए, किम पुरुष जैसे होता है ना, जिसमें सिरा कुत्सित हो जाए, सिरा दूषित हो जाए, उसका नाम किम सिरा और कैंसर है। बोला जे त्वेत दक्ष सूयंतो नानुतिष्ठन्ति मे मतम। एक बात हमने देखा है, जो लोग अब यहाँ कोई मान लो महाराज किसी कारण बस एक आपके व्यक्ति बैठे हों, तो एक दृष्टि से सारे जगत को देखते हैं, उनके बारे में हमको कुछ नहीं कहना है, लेकिन हमारा अनुभव यह है कि दोष धरती पुरुष का ना आ जाता है। जीवन के प्रारंभ में दो आंख उसके होते हैं और दूसरों का दोष देखते देखते एक उसकी बिगड़ जाती है, एक रह जाती है। ऐसे में 10-20-50 उदाहरण हमारी दृष्टि में है कि दोष धरती पुरुष का ना हो जाता है। आप लोग बुरा मत मानना, इसको हंसी की बात समझ लेना, लेकिन देखा है मैंने। अब जैसे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ास्तान विद्य निष्ठान अचेत सह, जो हमारे मत में दोष निकालते हैं और इसका अनुष्ठान नहीं करते हैं वो सर्वज्ञान सर्वज्ञान विमूढ़ है, माने किसी ज्ञान की पूरी पूरी उनको उपलब्धि नहीं होगी। और इसका एक अर्थ और लोक दृष्टिया सर्वज्ञान अपि अभिमूढ़ान अपि, लोक दृष्टि से वो उनको लोग मानते हो कि सर्वज्ञ हैं और बिल्कुल अभिमूढ़ हैं, ऐसा मानते हो, बड़े भारी ज्ञानी हैं, महात्मा हैं, इनका कत्था बहुत बड़ा है, इनकी हाथी बहुत बड़ी है, इनका छत्र चमर बहुत बड़ा है, इनकी गद्दी मन दोगन रूई की बनी हुई है, अब तो डनलप की होती है, तो रूई के काम ही खत्म होंगे। विद्य नष्टा नहीं सकता, लोक दृष्टि से वे सर्वज्ञ होए अभिमूढ़ होए परंतु वस्तुतः वो नष्ट है, अपना नाश कर चुके हैं और अचेत हैं, बेहोश हैं, मतवाले हो गए हैं। इस भागवत मत को स्वीकार न करना सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृते ज्ञानमाधि प्रकृति जानती भूतानि निग्रह किं करिष्यते इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ गवस्यतौ तयोर्नवसमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। ज्ञानवान एक होती है जानकारी, ज्यादातर जानकारी जन्म लेने के बाद माँ बाप परिवार भाई बंधु किताब मास्टर और आप क्षमा करें इनमें से तत्वज्ञानी तो शायद ही किसी के माँ बाप परिवार मास्टर
भाई बंधु कंपनी तत्व ज्ञानी होती हो ऐसी जानकारी भर लेते हैं कि वो मनुष्य की प्रकृति को तो समझते हैं, इसमें गुण त्रयात्मिका प्रकृति का कौन सा गुण प्रकट हो रहा है इस पर तो ध्यान देते हैं। तो असल में प्रकृति को बाहर से ज्ञान ठूस ठूस करके चाहे जितना दबाव हो वो तो भीतर जैसी भरी है वैसी निकले। अब कोई कहे हम आंख से सुनेंगे, गलत है ना, हम कान से देखेंगे। अब तो कान की प्रकृति सुनने की है और आंख की प्रकृति देखने की है। अब तुम ये मान लो कि अखंड ज्ञान स्वरूप परमात्मा ही सब है, मान लिया ज्ञानवान है आप, आपके लिए ज्ञान मात्र के सिवाय और कुछ नहीं है। लेकिन आप कहें कि हम आंख से सुनेंगे और कान से देखेंगे और नाक से चखेंगे और जीभ से सूंघेंगे तो ये होगा, तो आपका अखंड ज्ञान स्वरूप क्या करेगा? अरे भाई ये तो प्रकृति है, एक खंड से बनी है, ऊपर खाएंगे नीचे जाएगा पचेगा भला प्रसरण होगा। तो भले कोई ज्ञानी हो, शास्त्र ज्ञानी हो, परोक्ष ज्ञानी हो या परोक्ष ज्ञानी हो, अदृढ़ परोक्ष ज्ञानी हो दृढ़ परोक्ष ज्ञानी हो, ये सब प्राणायाम कर लो, प्रत्याहार कर लो, आसन बांध लो, प्रकृति में जो गुण जहाँ प्रकट हुआ है वो अपने विषय को ग्रहण करेगा, थोड़ी देर के लिए रोक लोगे, इसी से महात्मा लोग सहज भाव से रहते हैं, नहीं तो रोक नहीं चले। समाध्यादीनी कर्माणी, अष्टावक्र जी बोलते हैं समाध्यादीनी कर्माणी जहात जड़तीर यदि मनोरथान प्रलापाश्च कर तुमाया तत्क्षणात। एक हमारे मत में महाराज छह घंटे उल्टे टंका, उल्टे टंका माने वो पांव ऊपर और फिर नीचे करके फिर शासन। अब हमको सब नाम भूल जाता है, हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो मूत्र इंद्रिय से पानी खींचते हैं, दूध खींचते हैं, घी जान खींचते हैं, कई लोगों को हम जानते हैं। नाम लेके क्या करना है किसी का, चेला मत बनना किसी का, वो तो एक टेक्निक है। जैसा अभी दिल्ली में मैं था तो एक डॉक्टर हमारा ब्लड प्रेशर ले रहा था, ऊपर का 134 और नीचे का 80 आया नॉर्मल बिल्कुल। मैंने कहा डॉक्टर जरा फिर तो लेना, अब फिर लिया तो 134 की जगह 164 हो गया। उसने कहा अरे महाराज ये क्या हुआ? तो मैंने बताया कि इसकी एक टेक्निक है भाई, हम इंसान है तो बढ़ा देते हैं। ये नाड़ी जोड़ तो भरी भरी सभा में दिखाता हूँ ना कि देखो हमारी नाड़ी नहीं चल रही है, तो उसकी एक टेक्निक है मैं जानता हूँ, नाड़ी चलना बंद कर दें। ये मूत्रेंद्रिय से पानी वानी खींचने के लिए तो पहले पलाई काम में लेनी पड़ती है, पेट को बड़ा करना पड़ता है और उसमें से हवा खींचने की आदत डाल ली, एक बिल्कुल प्राकृत काम है। तो ये सब बिल्कुल अप्राकृत अभ्यास एकदम नहीं करना चाहिए। प्रकृति में जो खेत जो काम करने के लिए बना हुआ पसीना खपाओ, पसीना ही नहीं निकलने देंगे, योगाभ्यास करेंगे काम बाल ही नहीं बढ़ने देंगे योगाभ्यास करेंगे, है ना। तो तुम अपने योगाभ्यास को इतने क्षुद्र काम में मत लगाओ, इतने क्षुद्र काम में मत लगाओ, भले ज्ञानी हो पर प्रकृति में प्रकृति के अनुसार काम होने दो। ये पंचभूत जो हैं, शब्द तन्मात्रा प्रधान कान शब्द सुनेगा और स्पर्श तन्मात्रा प्रधान त्वचा स्पर्श का अनुभव करेगी, रूप तन्मात्रा प्रधान नेत्र रूप देखेंगे, ये इंद्रियां अपना काम करती रहेंगे। इनको जबरदस्ती रोकोगे तो थोड़ी देर के लिए रुक जाएंगी और जब फिर 6 घंटे की वो उल्टे टंके वो बज्रोली सिद्ध है और वो क्या नाम है विपरीत करणी सिद्ध है और वो शीर्षासन सिद्ध है, उल्टा पलटा सब करोगे 5-6 घंटे करके रखोगे और फिर वही घाट के 3 पास जहाँ के तहाँ पहुँच जाओगे। इसलिए अस्वाभाविक कर्म में मनुष्य को नहीं लगना चाहिए, ज्ञान भगवान हो और प्रकृति को सहज भाव से कर्म करने दो, तुम अपने स्वरूप से मत रहो। प्रकृति जानते भूतानि निग्रह किं करिष्यति, निग्रह निग्रह में भी फंसने की कोई जरूरत नहीं है कि आओ इनके प्रति निग्रह करेंगे और इनके प्रति अनुग्रह करेंगे। कई लोग ऐसे होते हैं महाराज
कि पानी पीने में तो अनुग्रह बुद्धि रखते हैं और लघु शंका करने में निग्रह बुद्धि रखते हैं, उनको जलोदर होगा कि नहीं होगा। तो प्रकृति जानते भूताने निग्रह किं करिष्यति, इंद्रियस्य इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेषो व्यवस्थितौ। इंद्रियस्य इंद्रियस्य प्रत्येकस्य इंद्रियस्य, इंद्रियस्य इंद्रियस्य दो बार बोलने का अर्थ है कि जैसे जन जन का, मन मन का जैसे बोलते हैं ना, ऐसे ये अपने शब्द में, स्पर्श में, रूप में, रस में, गंध में, अनुकूलता में, प्रतिकूलता में राग द्वेष व्यवस्थित है। ठीक है, बस इसमें आपकी चतुराई इतनी है कि सयोर न बसम आगे राग द्वेष आपके अधीन रहे, आप राग द्वेष के अधीन न हो जाए। राग द्वेष सयोर न बसम आगे, राग का उदय होना दोष नहीं है, उदय होने पर तो मालूम पड़ता है, रोकोगे कैसे, कोई कुछ लग जाए, किसी को देख के जलन हो गई तो जलन होने पर तो मालूम पड़ता, जो चीज पैदा होने के बाद मालूम पड़ती है उसको पैदा होने के पहले कैसे रोकोगे। अच्छा तो हो गए, ठीक है हो गई तो हो गई, जाने दो, गुंडे को घर में बुला कर रखो मत, छोड़ दो, बह जाओ, गंगा जी में मुर्दा आता है तो बोले हम ऐसा एक प्रतिबंध लगाएंगे कि गंगोत्री से इधर कोई मुर्दा ही ना आने पावे, है आपके बस की बात, ये आपके बस की बात नहीं है, जब आगे जाने यही है कि अंतःकरण की वृत्ति धारा में कभी राग भी बहता हुआ आता है, कभी द्वेष भी बहता हुआ आता है, उसको यदि आप पकड़ के रोक लेंगे तो सराग पैदा हो जाएगी, आपके अंतःकरण में दुर्गंध हो जाएगी, और यदि आप गंगा किनारे पहरे पर बैठ जाएंगे कि हम आने ही नहीं देंगे तो आपका जीवन ही खत्म हो जाएगा। तो लापरवाह हो जाना चाहिए, हो जो आवे सो आवे, जो जाए सो जाए, तयोर न बसमागत से उसके बसी भूत भूक करके कर्म नहीं करना चाहिए। इसकी असल में युक्ति ये है कि मन में जब कोई बात आ जाए तो एक तो शरीर से करने की जरूरत है, वो तो जैसे सपना मन में आता है वैसे बात आई और गई, और दूसरे बुद्धि से उसका समर्थन मत करो कि आई तो बहुत बढ़िया है। हम तो आपको शास्त्र की एक बात बताते हैं, स्वप्न अवस्था में कोई देवता दर्शन दे जाए, कोई मंत्र बता जाए, कोई गुरु आ जाए, तो उसमें आप जागरण का मंत्र गुरु देवता छोड़ना मत जागृत अवस्था वाला, क्योंकि फिर कभी उसके उल्टे सपना आ जाएगा तो वो भी बदल जाएगा, उल्टे सपना आ जाएगा तो वो भी बदल जाएगा, इसलिए जब तक जागृत के सदगुरु से वो परपुष्ट न हो तब तक स्वप्न के मंत्र देवता गुरु को मानना नहीं चाहिए। ये सपना तो अपना मनोविकार है, मनोविकार, हाँ उसको मानना नहीं चाहिए। ऐसे मन में भी यदि काम क्रोध आ जाए तो ये मत कहो कि ये राम का रघुवंश कर पाऊ, मन कुपंत पद भरे न पाऊ, ऐसे मत बोलो कि ये हमारा राम बोल रहा है, वो दुष्यंत का मन नहीं है कि सता में संदेह पदे सुवस्तु सुख प्रमाण अंत करण प्रवृत्तया। अरे तुम्हारा मन तो अनेक विकार से, अनेक संस्कार से, अनेक वासना से, अनेक संग से जरा बहुमुखी हो गया है, जो उसमें आता है खेलते हुए बहते हुए उसको जाने दो, पकड़ के रखो मत, तयोर न बसमागच्छे तौ यस्य परिपंथिनौ, तौ यस्य परिपंथिनौ। मनुष्य के भी परिपंथी है, परिपंथी है माने दुश्मन, परिपंथी शब्द का अर्थ होता है लुटेरे हैं, लुटेरे दुश्मन है। तयोर न बसमागच्छे,